मेरा नाम जिज्ञासा है और पिछले पार्ट में आपने देखा कि मैं और मेरा छोटा भाई मोनू अपनी छुट्टियां बिताने के लिए 10 दिन के लिए अपनी मासी के घर जाते हैं, जहां पर मासी और गांव वालों के लाख मना करने के बाद भी मोनू जंगल की तरफ जाता है, जहां पर तालाब के पास उसे एक लड़की नज़र आती है और 2 ही दिनों में वो लड़की उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है। मोनू कभी भी उस लड़की की तरफ देखकर बात नहीं करता था। इस पर उस लड़की ने उससे कहा कि तुम मेरी तरफ देखकर बात क्यों नहीं करते हो। तब मोनू उससे कहता है कि तुम्हारे कपड़े गीले हो चुके हैं, जिस वजह से उनके आर पार दिखाई दे रहा है। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। तब वो लड़की कहती है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, शहर में तो लोग ऐसे ही नहाते हैं और मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं, तुम मेरी तरफ देख सकते हो। तब मोनू पहली बार उस लड़की की तरफ देखकर बातें करता है। वो उसके शरीर की तरफ नहीं देखता, वो उसके चेहरे की तरफ देखकर ही उससे बातें करता है। बातों ही बातों में समय कब बीतता चला जाता है, इस बात का उन दोनों को ही अंदाज़ा नहीं होता। और तभी वो लड़की मोनू से कहती है कि मेरा घर यहीं पास में ही है और यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा फार्म हाउस है, हम शहर से बहुत कम ही यहाँ पर आते हैं। मैं चाहती हूँ कल शाम को तुम इस जंगल पे जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलाऊँगी और तुम्हें अपना फार्म हाउस भी दिखाऊँगी। मोनू भी बड़ी ही आसानी से उसकी ये बात मान लेता है और फिर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पहुँचते ही मासी उससे ढेर सारी बातें करती हैं और उससे ये भी पूछती हैं कि आखिर तुम इतनी रात को रोज़ बाहर कहाँ रहते हो। मोनू अपनी मासी को सच तो नहीं बता सकता था, वो उन्हें बस यही कहता था कि गांव में ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, तो वो बस इधर उधर टहल कर अपना समय बिताता है। तब उसकी मासी उससे कहती है कि कहीं तुम जंगल की तरफ तो नहीं जाते हो। इस पर मोनू अपनी मासी से कहता है कि मैं गांव के हर तरफ घूमता हूँ, जंगल की तरफ जाने का मेरा मन तो करता है पर मैं जंगल की तरफ कभी जाता नहीं। ऐसे ही फिर अगला दिन आ जाता है, जब मोनू को शाम को जल्दी ही जंगल जाना था ताकि वो उस लड़की से वापस मिल सके। वो तुरंत ही अपने घर में बहाना बनाकर उस जंगल की तरफ चला जाता है, जहाँ पर वो वहाँ खड़े होकर उस लड़की का इंतज़ार करता है। आज पहली बार वो उस लड़की को सामने से चल कर आते हुए देखता है। इस बार उसने खूबसूरत से कपड़े पहने थे और वो बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। वो लड़की आकर मोनू से बहुत अच्छी तरीके से बात करती है और उससे कहती है, अब जल्दी चलो यहाँ से, मुझे तुम्हें अपना फार्म हाउस भी दिखाना है और अपने मम्मी पापा से भी मिलवाना है, फिर तुम्हें जल्दी वापस घर भी तो जाना होगा। ऐसा कहकर वो दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर दूर से ही मोनू को एक किले के जैसा घर नज़र आता है, जो कि साइज़ में बहुत छोटा होता है पर बाहर से वो किले के जैसा ही नज़र आ रहा होता है। उसी के ही पास एक छोटा सा गार्डन होता है। वो घर बाहर से तो बहुत ही पुराने ज़माने का दिख रहा होता है पर अंदर से वो घर बहुत मॉडर्न होता है। वो देखकर ही पता चल रहा होता है कि वो लड़की और उसका परिवार बहुत पैसे वाले हैं। तभी घर के अंदर से उस लड़की के माता पिता बाहर आते हैं और वो लड़की उन्हें मोनू से मिलाती है। मोनू उन्हें देखकर यही सोचता है कि ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और यंग नज़र आ रहे हैं, क्या सच में ये इन्हीं की ही बेटी है। ऐसा कहकर वो सभी हंसने लगते हैं। हंसी मजाक करने के बाद वो लड़की मोनू को फार्म हाउस दिखाने ले जाती है और जैसे ही वो लोग वापस आते हैं तब उसके मम्मी पापा मोनू से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो डिनर के लिए अब रुक ही जाए। मोनू को पता था कि उसे अब घर जाने के लिए लेट हो रहा है, पर उन दोनों के इतना कहने पर मोनू वहाँ पर रुक ही जाता है। जैसे ही वो सभी खाने के टेबल पर बैठते हैं, मोनू देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी खाने की चीज़ें होती हैं। ये देखकर वो यही कहता है कि हम तो बस 4 ही लोग हैं, इतने सारा खाना ख़त्म कैसे होगा।
इसके बाद वो सभी खाना खाना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर होती है, वहाँ टेबल पर रखा सारा खाना वो तीनों बड़ी ही तेज़ी से ख़त्म कर देते हैं। और दूसरी तरफ मोनू अपनी प्लेट का ही खाना ख़त्म नहीं कर पाया था। खाना खाने के बाद मोनू अब उनसे कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, कि तभी उस लड़की के परिवार वाले उसे रोकने लगते हैं और कहते हैं कि अरे रुको, अभी सबसे ज़रूरी काम तो हुआ ही नहीं। ऐसा कहकर वो लड़की की माँ घर के दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है और वो तीनों ही एक अजीब सी स्माइल से मोनू की तरफ देखने लगते हैं। मोनू समझ नहीं पाता, वो कहता है आखिर आप लोगों को क्या चाहिए। तब उस लड़की के पिता कहते हैं मुझे तुम्हारा खून चाहिए। ये सुनते ही मोनू थोड़ा घबरा जाता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है कि तभी वो आदमी उसे पीछे से जकड़ लेता है और मोनू अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। वो बहुत कोशिश करता है पर उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे 8 से 10 लोग पकड़े हुए हों। वो तीनों मोनू को ज़बरदस्ती घसीटकर एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी पुरानी किताबें होती हैं, पर उन सभी के बीच में एक टेबल होता है जहाँ पर बहुत सारे कट के निशान होते हैं, मानो जैसे वहाँ पर किसी की बलि दी जाती हो। ये सब देखकर मोनू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसे ऐसा लगता है कि यह लोग शायद मेरी बलि देने वाले हैं, ये लोग मुझे मार देंगे, ये लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। वो तरह तरह के वैम्पायर्स और पिशाचों के बारे में सोचने लगता है। वो आदमी मोनू को ज़बरदस्ती उस लकड़ी के तख्त पर रख देता है और साइड से वो चाकू उठा लेता है। वो औरत उस किताब पर से मंत्र को पढ़ने लगती है और घर में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। वो लड़की मोनू के कान के पास आकर कहती है घबराओ मत, ये सब जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही मोनू को लगता है कि अब वो मर जाएगा, तभी वो आदमी मोनू की उंगलियों में से 3 बूंद खून के निकाल लेता है और फिर वो सभी मोनू को छोड़ देते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम आज़ाद हो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हारी जान ले लेंगे, हमें तो सिर्फ 2 बूंद खून की ज़रूरत थी। तभी वो लड़की कहती है अब तुम जाओ यहाँ से मोनू, तुम्हें घर जाने में लेट हो रहा होगा, हम वापस उसी तालाब में मिलेंगे। मोनू वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है और अपने घर जाकर वो किसी को भी कुछ भी नहीं बताता। 2 दिन के बाद वो वापस उसी जंगल में उस लड़की को ढूंढने के लिए जाता है, पर उसे वो लड़की नहीं मिलती और ना ही उसका घर मिलता है। इसके बाद मोनू 10 दिन बिताने के बाद वापस अपनी बहन के साथ घर वापस चला जाता है और दोबारा उस लड़की से कभी नहीं मिलता।